ऑपरेशन क्लीन के तहत पटना रेल पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बीते 19 मई को गया रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के क्रम में दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे रेल पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ा गया। बता दें चलिए कि पकड़ाए दोनों व्यक्ति से भागने का कारण पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और दोनों की तलाशी लेने पर उन दोनों के पास से दो देसी कट्टा, तीन गोली, 315 बोर का एवं एक मोबाइल भी बरामद किया गया है और अब पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। कल दिनांक 19/5/24 को गया रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के क्रम में पिलग्रिम प्लेटफॉर्म के हावड़ा छोर के पास बने पंप हाउस के पास दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनको घेर कर पकड़ा गया। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से दो देसी कट्टा, तीन गोली, 0.315 बोर का और एक मोबाइल मिला। और जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त, उनका नाम है प्रिंस कुमार जो कि गया जिला के रहने वाले हैं, अनुज कुमार ये भी गया जिला के रहने वाले हैं, और जो छापमारी टीम जो इनके द्वारा पकड़ा गया है वो पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजेश कुमार, रेल थानाध्यक्ष गया, सिपाही नीरज कुमार, सिपाही कुणाल सिंह, सिपाही अंकित कुमार एवं सिपाही रंजीत कुमार। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर ब्रिज्स होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, इंडियाज नंबर वन मल्टी सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक। होम्योपैथी में नई रिसर्च से बढ़ी लोकप्रियता, भारत के प्रसिद्ध कई राष्ट्रीय अवार्ड एवं 10 से ज्यादा अन्य देशों में सम्मानित डॉक्टर बीएम प्रसाद, जिन्होंने 25,000 से ज्यादा रोगियों का सफल इलाज किया है। होम्योपैथी दवा द्वारा सफल इलाज हेतु आज ही मिलें डॉक्टर ब्रिज्स होम्योपैथी क्लिनिक, बीसी जर्मन होम्यो क्लिनिक, होम्योपैथिक भवन, ब्रिज गली, बिस्कुमान कॉलोनी, पटना।